मर्जी मेरे किराए के पैसे दो, तुम मेरे किराए दे दो, मैंने अभी किराए का लिया, मेरे किराए की पैसे काहे के पैसे? अबे एक तो तूने मुझे पैसे इतनी लेट करा दी, पुलिस वाले से पैसे मांग रहा, यहाँ कोई मुझसे पैसे नहीं ले सकता और तू पैसे मांग रहा, चल तुझे और तेरी खटारा को उठा के जेल में सड़ा दूंगा। सर मेरे किराए की गाड़ी दे दो, किराए की पुलिस वालों से पैसे मांग रहे तू, मेरे किराए के पैसे दे दो, मेरी गाड़ी ना, मेरी गाड़ी किराए की है सर, दे दो प्लीज। देखना अभी मैंने बोनी भी ना करी है तुमसे, बस तुम मेरी गाड़ी के पैसे दे दो, कैसी बस किराए के पैसे चाहिए तो मुझे ड्यूटी को लेट कर दिया तूने इतना और ऊपर से पैसे मांग रहा। जान तो वो लग रहा था, जान की वजह से देर हो गया आपको, मैंने कहा जानबूझ के थोड़ी ना कोई देर का, सर दो प्लीज दे दो सर, बहुत निकला ना सर, सर चल निकल ले यहाँ से। जी सर करेगा मैंने, ये पर तो पूरे मेरे दिखा दिया, अभी देखेंगे अभी दिखा रहा हूँ। पेपर तो पूरे नहीं है बे तेरे, नहीं सर मेरे पास तो देखो वो भी चालान बनना पड़ेगा बाबू जी, चालान वालान काटो, देखो मैं मजदूर आदमी गरीब आदमी, चालान मत काटो आप। एक काम दो क्या, 3000 रुपये निकाल जो मैंने आज कमाए वो ले लो तुम मुझसे, मैंने कमाया आज, ये ले लो, ये आज कमाए ले दिखा दो और कहाँ 500 रुपये, बस ये सुबह से ये कमाए मैंने, मैं जानता हूँ काम करने, तो किराए की गाड़ी है मेरी, चल निकल। अर्सन अगली बार से जाओ ना पेपर पूरे लेके आइयो, ठीक है वरना बंद कर दूंगा और माल लगाऊंगा अलग से, ठीक है। अरे संजय अरे काम है यार तुम्हारे लिए, एक ऑटो उठाना कॉलेज के पीछे पीछे के, हाँ UP 13-12-21, और हाँ काम हो जाना चाहिए। Ah.
सर 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 मेरा ऑटो चोर हो गया, ऑटो में चोरी हो गया सर, मेरा ऑटो ले गया, कोई मेरा ऑटो ले गया सर, ऑटो में तेरा ऑटो मैंने चुरवाया। क्या आपने मेरा ऑटो चुरवाया? ये तो ज़्यादा उड़ रहा था ना हवा में तेरी औकात दिखाने के लिए, चल जाए ऐसे। क्या आपने मेरे साथ अच्छा नहीं करा? मैं गरीब आदमी मजदूर आदमी हूँ, इससे मैं अपने घर खर्चा चलाता हूँ, आपने मेरे साथ ऐसा कर दिया। आपने मेरे को अच्छा नहीं किया, ऊपर वाला आपका माफ नहीं करेगा। सर यहीं तो जा रहा था, रिश्तेदारी में जा रहा था, थोड़ा पेपर देगा आपने? पेपर पेपर अभी दिखाता हूँ। अरे बड़ी समस्या है पुलिस वालों की भी सर, पेपर अभी दिखाता हूँ सर, पेपर सर वो हो डिग्गी में घर भूल गया मैं तो सर। चालान कटेगा तुम्हारा? अरे सर गवर्नमेंट ने चार तरफ कैमरे लगाए हुए हैं, 30 की ऊपर स्पीड है, मेरा चालान कट जाएगा ना, तो आप इस चीज़ को परेशान क्यों हो रहे हैं? आपने कब से इस चीज़ की जिम्मेदारी ले ली? अच्छा काम कर, 3,000 रुपये। 3,000 रुपये किस बात के? 10,000 का चालान भरना पड़ेगा, तेरा रास्ते में छोड़ रहा हूँ। एक काम करो तुम, पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, ठीक है, मैंने तेरा पैसे आपको चालान काट लो, गाड़ी सीज कर लो, ठीक है, जो करना है कर लो। अच्छा पुलिस वाले जमान लड़ाता है? अभी बात ही ऐसे कर रहे हो, बताइए पैसे कागज़ में आपको जब घर भूल आया। मतलब पुलिस वाले जमान लड़ाता, अभी मैं यहाँ के इंचार्ज से तेरी बात कर रहा हूँ, मेन इंचार्ज है, अभी पता चलेगा तुमको। तो मिलेगा ना तो पेंट गीली हो जाएगी, इस एरिया में क्या तो दिखाई देना बंद नहीं, दिखाई नहीं देगा। आप तो मैं पहचाना नहीं सर आपको, आप बता दे देना सर आप। तुम लोगों की मुझे इतनी शिकायतें आ रही थी कि पब्लिक ने मेरे को बहुत सारी एप्लीकेशन वगैरह दिया कि आपका डिपार्टमेंट हमको परेशान कर रहा है, पैसे इस तरह से लेते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना खुद ही जाकर देखूं, तो ये कर रहे हैं आप पब्लिक के साथ। सर असल में आपको पहचान नहीं पाया ना मैं थोड़ा। हमारा काम है पब्लिक को सुकून देना, जनता की सेवा करना, ना कि जनता को परेशान करना, समझते हैं क्या आप इस चीज़ को? सर आप बेफिक्र है, मैं बेफिक्र हो गया, ये रहा आपका जो है सस्पेंड लेटर, और आप काम करिए, अपने घर जाकर आराम करिए, ठीक है, ये आपका लेटर, जाइए कुछ दिन अपने भी बच्चों के साथ रहिए, पता लगेगा, ठीक है? नहीं उसके बाद सोचेंगे क्या हुआ क्या नहीं है, अभी आप आराम कीजिए, जाइए भाई। पैसे दो पहले। ये लो पानी। सर लोगों ने मुझे बताया कि आप सस्पेंड हो चुके हैं, आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो बस इसलिए मैं आया हूँ आपको, ये पानी की बोतल आप ले लीजिए मेरी तरफ से। मुझे माफ़ कर दे यार, सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना। मुझे खुशी है इस बात की कि आपको एहसास तो हुआ, लेकिन मैं आपको और दुनिया के हर ऑफिसर को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा काम है जनता को सुकून देना, उसकी सेवा करना, ना कि परेशान करना। तो आपको भी ये मिला सीखने को कि जब किसी को चीज़ छीनती है तो उसको कितना एहसास होता है। जब मेरा ऑटो छीना था तो मुझे भी एहसास हुआ था, और आज आपको अपनी नौकरी का एहसास होगा। कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए।